सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। कारा मोटर में होते हैं लोगों के सपने साकार, जहां लोगों को हर प्रकार की गाड़ियां पर लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है और जहां। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से सटे उल्हासनगर के कैंप क्रमांक 3 के फलवार लाइन परिसर में स्थित अशोक टॉकीज रोड पर 5 मार्च की तड़के एक कुख्यात आरोपी चिक्कू सिंह लबाना पर करीब 6 लोगों ने चाकू, तलवार, चॉपर और लोहे के पाइप से जानलेवा हमला कर दिया था। वहीं ये हमले का मास्टरमाइंड शिंदे गट का उल्हासनगर पश्चिम का युवा शहर प्रमुख सुजीत अशोक पंजाबी के खिलाफ साजिश करने का मामला दर्ज कर लिया। वहीं मध्यवर्ती पुलिस सुजीत पंजाबी पर कार्रवाई करने के लिए कतरा रही है। वहीं चिक्कू की मां ने आरोप लगाया है कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि इस मामले में मध्यवर्ती पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं चिक्कू का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। अभी भी आपने डीसी को आरजी दी है, क्या है पूरा मामला? ये मामला ऐसा है, सुबह 7 तारीख को सुबह 5 बजे के करीब
मेरे बेटे को मतलब 7-8 लड़कों ने हमला किया, अनजान लोग थे, हम उनको पहचानते नहीं थे, उन्होंने मतलब मेरे बच्चे को पीछे से धक्का खींच के गाड़ी से नीचे गिराया और उसको मारने लगे, और वो ये बोल कर मार रहे थे कि तू हमेशा सुरजीत भाई से पंगा लेता है, आज तेरे को जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे हम लोग। उसके बाद फिर उसके दोस्त लोग थे उनको उठा के फिर हम सेंट्रल हॉस्पिटल लेके गए, वहां से उसके बाद हम उसको मीरा हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पे मेरे बच्चे को बहुत गंभीर चोटें आई सर में, 32 टाके आए हैं, उसके हाथ की हड्डी भी तोड़ दी है इन लोगों ने, और फिर वहां पर हमको पता पड़ा कि ये सब कराने वाला सुरजीत पंजाबी है, लेकिन वो शिवसेना के उसका पदाधिकारी है, इसके लिए उसके ऊपर ज्यादा प्रेशराइज पुलिस नहीं कर रही है, वो खुलेआम उल्लासनगर में घूम रहा है कारों में, और हम लोगों को इंस्टा पे पर धमकी भी दे रहा है कि होली में देखो मैं क्या करता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच, हम क्या करेंगे। तो मेरे को यही है पुलिस वालों से, मेरे को ये रिक्वेस्ट है कि ये जो महेंद्र उसका भाई बोलते सुरजीत पंजाबी नहीं था महेंद्र, बल्कि हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें महेंद्र पंजाबी और सुरजीत पंजाबी एकदम क्लियरली दिख रहे हैं, और जो लड़के जिन लोगों ने मतलब इन लोग प्लानिंग बना रहे थे, ये लोग खड़े होके जो लड़के हैं जो कपड़े पहने हुए हैं वो वही लड़के मारे, वो सुरजीत पंजाबी और महेंद्र पंजाबी के साथ खड़े हुए हैं, जो नेवी एरिया की गली है सुरजीत के घर के पास वहां पे हमको पूरा सीसी फुटेज मिल रहा है, फिर भी पुलिस वाले जो आरोपी है महेंद्र और सुरजीत पंजाबी उनको अरेस्ट नहीं कर रही है। ये झगड़ा इसलिए हुआ कि शाम के वक्त में सुरजीत पंजाबी का छोटा भाई बंटी पंजाबी उसने मेरे बेटे के साथ में शाम को झगड़ा किया, उस पर उसने बोला कि रुक अभी आज तेरे को दिखाता हूँ, तेरा बहुत हो गया है। तो इसके ऊपर हम तो अनजान थे, मेरा बेटा अपने दोस्त का बर्थडे मनाकर आ रहे थे वो लोग, तब मेरे बच्चे को इन लोगों ने जान पूछ के पकड़ा है। झगड़े की वजह पुरानी दुश्मनी है। हाँ सुरजीत पंजाबी पता नहीं मेरे बेटे से क्यों जलता है, मुझे कुछ पता नहीं, बल्कि हम उनसे अच्छे से अच्छा ही व्यवहार करते हैं हम तो सबसे। पुलिस वालों ने अभी तक सिर्फ आकाश यादव को अरेस्ट किया है, जिसका रिमांड लेने के बाद जब उसे सुरजीत पंजाबी का नाम लिया तो फिर पुलिस वालों को काम है ना सुरजीत पंजाबी को अरेस्ट करने का, लेकिन अभी तक सुरजीत पंजाबी अरेस्ट नहीं हुआ है। वो शिवसेना पक्ष का पदाधिकारी है शायद, इसलिए मेरी यही मांग है पुलिस, मतलब आज डीसीपी के पास भी मैं गई थी, उन्होंने मेरे से अच्छा कोऑपरेट किया, मैंने उनको सारी फुटेज फोटोज दिखाई तो उन्होंने बोला ठीक है इस बात पर हम गौर करेंगे। तो अभी मैं पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब से मिलने के लिए बैठी हूँ, डीसीपी साहब ने बोला ये सब आप सीनियर साहब को दिखाना, और मुझे पुलिस वालों से मदद चाहिए कि मेरे बच्चों की जान खतरे में है, और जल्द से जल्द सुरजीत पंजाबी महेंद्र पंजाबी और बंटी पंजाबी को अरेस्ट करें, और बाकी जो लड़कों से इन्होंने ये काम किया है उनको भी अरेस्ट करें।